इतने तो रिएक्शन वीडियो ट्रेंड आए सुमैया नाज सेकंड एक ही चीज होती है बस पूरे चैनल में, बस यही मैं बोलता हूँ टोक देती है, तू बोलता है मैं टोक देता हूँ, दैट्स इट, ऐसे पैसे कमाए जा रहे हैं। सो आई हेट करके सारा पीपल हेट करे जा रहे हैं, लोग हेट करे जा रहे हैं। कमन मैं तो बार बार हिट की बात तू खुद ले जाती है, पता है यू नो व्हाट लाइक अनटिल अनलेस तू अपने रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो नो वन गोना रिस्पेक्ट यू ब्रो, दिस इज माय फिलॉसफी, रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड मेरी आन मत बांटो चलो। हां नहीं भाई मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं कर पाता ब्रो, क्योंकि मैं खुद की रिस्पेक्ट बहुत करता हूं, अगर कोई करता मैं इग्नोर कर देता हूं। बेबी आई विल सेंड यू कमेंट्स बेब, आई विल सेंड यू, आई विल डिलीट दोस कमेंट। सो आई चलो साना वक्त वीडियो देख कर रहे हैं। I wrote Tala Anjum a rap song in Urdu, just jo bhi hai Sana Bucket ki video hai, just subscribe to her. So yeah, let's start. Iske title wala Sana Bucket na bahut tala ki favorite youtuber hai Sana Bucket. मजा आता देखने में। तो लाइक फेसबुक ग्रुप में एक माँ पोस्ट पड़ी, कहती है कि मेरा न्यू बॉर्न बेबी आईसीयू में है, एंटीबायोटिक्स उसको इतनी दी है डॉक्टर्स ने कि उसका रंग काला हो गया, जब पैदा हुआ था तो गोरा चिट्टा था, क्या उसका रंग वापस से गोरा हो जाएगा? ये पढ़ के मैं सोफे से उठी और अपने सामने वाली दीवार पे जाके मैंने कम से कम 3 दफा अपना सर मारा और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर एक माँ को ये फिक्र क्यों है कि उसका बेटा गोरा कैसे होगा और ये फिक्र क्यों नहीं है कि वो आईसीयू से ठीक सही सलामत जिंदा होशो हवास में घर आ जाए, उस नन्नी सी जान की बीमारी ठीक हो जाए। मेरा इस दुखड़े सुनाने का कोई रीजन नहीं है, इसकी आज की वीडियो से कोई ताल्लुक है नहीं, पर तुम लोग कोशिश करना कि अपनी जिंदगी में ना काले गोरे की फजूल तरीन खप से बाहर रह के जिंदगी गुजारो। मिस शकीला मुझे सबसे लंबा उर्दू ऐसे लिखने पर शाबाशी देते हुए, मैं जो बीच में तल्हांजुम का रैप लिख के आया था, उर्दू के पेपर में चवलियां मारने का बहुत रूम होता है, दुनिया भर की बकवास लिख दो टीचर ने नंबर दे ही देने होते हैं, मेरी एक फ्रेंड थी उसने ऐसा किया था, उर्दू के टेस्ट में शेर की तशरी करते हुए वो कोई बॉलीवुड का गाना लिख के आ गई थी और ऑफ कोर्स सिंपल वर्ड्स में लिखा था उसने, टीचर को भी समझ आ गई थी कि गाना लिखा पर उन्होंने इससे बढ़िया मैंने किया था, मैं हमारे वहाँ पे ज्योग्राफी के पेपर थे 11th में, उससे मुझसे पूछा कि इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल कौन सी, कैनाल पता ना नदियां से टपकी होती हैं, तो वो कौन सी, मैंने लिख दिया परमिंदर कैनाल। टीचर ने चेक किया और टीचर रूम क्लास में आया और उसने बोला कि लाइक मुझे मैंने पेपर चेक लाइक मैं टॉपर था ओके 11th में, तो उसने बोला कि मैं पेपर चेक करता हूँ, मैंने सोचा टॉपर से स्टार्ट करें, मैंने परमिंदर का पेपर चेक किया और सबसे आगे लिखा है ये परमिंदर कैनाल, फिर मुझे खड़ा कर बोला बेटा हम चाहते हैं आप इतना फेमस हो आपके नाम की जगह बने बट अभी मत बना। सर ने बड़ा सार्केज़म में समझाया कुछ कहा नहीं। मॉम व्हाई डज माय फोन बैटरी डाई सो फास्ट ऑल्सो हर, अब भाई फोन की जब तक ब्राइटनेस और वॉल्यूम आसमान फाड़ के ऊपर तक ना पहुंची हो ना तब तक पेरेंट्स को फोन यूज करने की चस नहीं आती, बैकग्राउंड पे खुले हुए करोड़ों एप्स, व्हाट्सएप से सेव होने वाला मीडिया गैलरी में जाके मेमोरी फुल, टूटे फूटे वॉइस नोट्स, खैर है कोई नहीं, अब आगे आने वाले बच्चों के दौर में ना हमने भी यही कुछ करना है, हम भी कंप्यूटर के स्टार्ट बटन को डबल क्लिक करने वाले लोग हो जाएंगे। द जिन इन माई रूम मी हू रिसाइटेड लास्ट टू वर्सेस ऑफ सूरह बकरा बिफोर स्लीपिंग, मैं एक रास की बात बताऊं, बहुत गहरी और सुकून वाली नींद का राज सुन लो मुझसे, मेरा आज मुद्दा टोटका समझ लो, सोने से पहले ना तीनों कुल ऐतल कुर्सी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें और सोने की दुआ, ये पढ़ के सो ना नींद खुलेगी ना बुरे ख्वाब आएंगे, इतनी पक्की नींद आएगी कि न शहियों को भी क्या यूं नहीं है, और उसका लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको सेव कर लेना, सोने से पहले पढ़ लिया करो और सारे जुड़ों को ना लानत भेज के तसल्ली करके सोया करो। ओ गॉड प्लीज ग्रांट इट टू मी, एक्चुअली मे बी नॉट इफ यू थिंक इट्स बैड फॉर मी, आई डोंट नो यू डिसाइड, I guess you know the best. भाई इस बहुत बहुत सच्ची बात है, अब इससे ही ना बंदे को अपने छोटे दिमाग का अंदाजा हो जाता है कि भाई हम अपनी फैसलों पे एतबार नहीं करते, आखिर में हम फिर वही मस्कीनों वाली शक्ल बना के अल्लाह पे छोड़ देते हैं सब कुछ और फिर जो होता है वो ऑब्वियसली बेहतरीन होता है। When you're going through hardships in your life, but you remember those hardships are erasing your sins. भाई इस दुनिया में ना एक कांटा चुभने तक की तकलीफ का अल्लाह के हाल लिख दिया जाता है, इवन बीमारियां भी गुनाह झाड़ती है, वो अलग बात है कि हम ही जज्बातों में बह जाते हैं, अब मैं पिछले 4 महीनों में कुछ 400 बार बीमार हो चुकी हूँ और मैं सोचती हूँ कि कितने किलो गुनाह मेरे कम हुए होंगे। नब्बे 120 में 4 डिवाइड लाइक पर डे अराउंड 2-3 टाइम
It's not mathematically correct. Watching people in haram relationship waking each other up for fajr prayer. अब ये वाला जो मंजन है ना, ये आजकल बहुत ही ज्यादा बिक रहा है मार्केट में. हराम रिलेशनशिप्स है जो कि 10-10 सालों से चल रही हैं. अब उनका सीन ये है कि वो नॉर्मल वाली बातें तो करते ही है, लेकिन बीच बीच में ना एक दूसरे को बुआई भी देते रहते हैं और जन्नत में हमेशा एक दूसरे के साथ रहने की कस्में भी खाते हैं. और फिर होता ही है कि 10 साल के बाद इसका दिल क्योंकि भर जाता है, तो फिर कहते हैं कि हम इस दुनिया में तो एक नहीं हो सके. बहरहाल मैं अल्लाह सुबहानहु व तआला से दुआ करूंगा कि जन्नत में मेरी हूरों की सरदार जैसे की हरकतों के बाद आपको जन्नत बड़ी आसानी से मिल जानी है प्लेट में रखे. पर खैर हुए माइटी जज, देखो चूहे मार दवाई को जितना मेसन जार में डालो, ऊपर फूल बूटे बना लो, ऊपर हनी का लेबल लगा लो, रहना उसने पॉइजन ही है. तो ये ना खुद को बेवकूफ बनाने वाली हरकतें बंद कर दो. When you are trying to lower your gaze but she is really short, years of academy training wasted. या तो तुम खुद 8 फीट के हो या तो वो 2 फीट की है, जो भी है. लेकिन अगर तुम में से कोई भी अपनी नजरों को झुकाए रखने की कोशिश करता है ना, तो मेरी तरफ से तुम्हें 10 किलो के गैस का सिलेंडर और 3 तोपों की सलामी हो. अब नजरें झुकाने के ना 3 फायदे होते हैं. एक तो ये कि लड़कियां तुम्हारे अराउंड खुद को सेफ फील करती हैं, कंफर्टेबल महसूस करती हैं. दूसरा ये कि अल्लाह तुम्हें इसका अजर देता है. और तीसरा ये कि जमीन पे गिरे हुए पैसे मिल जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. इमाम मेहदी, इमाम ऑफ लोकल मोस्क, वेयर्स फॉर देम 5 टाइम्स डेली. ओहो, ये तो मेरे दिल को लगी है बात. हमारे लोग तो ऐसे वीडियोस में घुसे हुए होते हैं जहाँ कोई बात कर रहा हो के दज्जाल काने ने फलान दिन फलान टाइम निकल आना है. इमाम मेहदी बस आने वाले हैं, जूझ मजूझ तो समझो दरवाजे के बाहर खड़े हैं. मजे चस्के लेने के लिए ढूंढ ढूंढ के हम वीडियोस देखते हैं, पर मस्जिद में जाने का ना तो मजा आता है ना दिल जाता है. अफसोस की बात है. बॉयज आफ्टर स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स बिजनेस इज सुन्ना, गर्ल्स आफ्टर स्टडिंग फॉर 10 मिनट्स I'll be a housewife, inshallah. Damn, this is you. Yeah. This is so every true. Single girl I ever met in my life. Because like, मेरे ऑफिस में मेरी बिजनेस पार्टनर रशियन है और तू, तीन लोग मिले अलग अलग कंट्री से, तीनों का सपना यही है थोड़ा सा काम करो उसके बाद नया. I will be fine. I miss ना पाएगा bro. This is all your girls. सोचती हूँ क्या छोटे होते मैं लटक कैसे लगा लिया करती थी. इतने लंबे लंबे पैराग्राफ से लट लेती थी, समझ आती कोई नहीं थी, लिख भी लेती थी और पास भी हो जाती थी. हालांकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इंतहाई थका हुआ है, पर उससे ज्यादा थके हुए मुझे लगता है हमारे दिमाग है, जो अव्वल तो है ही बहुत छोटे छोटे, ऊपर से बंद भी काफी ज्यादा है. अदर्स इन्वेंटर मुझे लगता है 100% दिस इज मी. लाइक पिछले 2 दिन से मैं ऐसे लेटा पड़ा हूँ क्या. ये मेरा देखो दिख रहा है आपको, ये मेरा सेम मैं ही पढ़ा हूँ 2 दिन से मैं ही पढ़ा हूँ. नहाया तक नहीं हूँ मैं. कैन यू सी माय आईज, सम टाइम इट क्रॉस 7 डेज और 10 डेज. ओके आई एम ब्लैक नाउ, कैन यू सी मी. ओके आई विल रिकॉर्ड दिस. आई विल रिकॉर्ड दिस ऑनली. कोई नहीं बचा जिसका ब्याह ना हो गया हो, और कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जिसमें मुझे चरसियों वाली खांसी ना हुई हो. पता नहीं क्यों हमारे इम्यून सिस्टम इतने नाजुक हो गए हैं. पहले तो फ्रीज में बैठ के आइसक्रीम खाने से भी कुछ नहीं होता था, अब तो ठंडे पानी से हाथ धो के पेप्सी पी लो, छींके आना शुरू हो जाती है. When you see a jinn but he is the one saying astaghfirullah. This is oh. Okay. So offensive. Imagine तुम अपने कमरे में जाते हो, दरवाजा बंद करने लगते हो, तो दरवाजे के पीछे तुम्हें एक लंबा सा डरावना सा जिन खड़ा नजर आता है, जो तुम्हें देख के डर जाते हैं और वो आयतुल कुर्सी पढ़ने लग जाता है. देखा, टूटा ना दिल. अब ये हो गया तो तुम तो अपने टूटे हुए दिल के साथ ही घर से बाहर निकल जाओ, क्योंकि मैं नहीं बनना इस कार्य. सहाबा यूज्ड टू से लुक एट द इस्लाम एंड यू विल नो द इस्लाम. सैडली नाउ वी हैव टू से डोंट जज इस्लाम बेस्ड ऑन द मुस्लिम्स. हाँ, क्योंकि सहाबा इकराम को पता था कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है. उन्हें पता था कि हमने कुछ साल यहाँ मुसाफिर की तरह गुजारने, अमाल की बेस पर ना खत्म होने वाली जिंदगी का फैसला होना है. बेहतर है कि जितना लिमिटेड टाइम है हमारे पास उसमें हम अल्लाह को राजी कर लें. पर हम आजकल के वो लोग हैं जिनको लगता है कि हमने मरना तो अव्वल है नहीं, और यही जो जिंदगी उसी में जो करना है कर लो. मरने के बाद क्या होगा, ना कोई सोचना चाहता है, ना दिस इज मी, ना कोई जानना चाहता है. फिर यही कुछ होता है कि इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी करप्ट कर दिया जाता है, और फिर हम फसाद करते फिरते हैं. फादर्स आफ्टर जुम्मा प्रेयर्स. और हर जुम्मे का इंतजार भी होता था कि अबू कुछ ना कुछ वापसी पर लेके आएंगे, और होता भी बल्क में था. और ये क्यूरियोसिटी होती थी कि मस्जिद से बाहर मिलने वाला सस्ता फ्रूट मीठा निकलता है या फीका, पर ज्यादातर वो मीठा ही निकलता था, सिवाय गिमुओं के जो कभी भी मीठे नहीं निकलते थे. खैर तुम लोग बताओ आजकल कौन सा फ्रूट बिक रहा है. मेरा ख्याल है अमरूद और किन्नुओं का सीजन होगा. नहीं, और जाते जाते मुझे ना नाइस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक गाइस, इफ यू आर वाचिंग मी, लाइक मुझे देख पा रहे हो अभी भी आप, तो It's good, man. Like my iPhone is good. Now like... he's in. Everyone, please recite Ayatul Kursi now. Yeah. Bro, like I can see, like मेरा बहुत सी वीडियो आ रही है ऐसे उल्टा. Like मेरे फोन में night vision on हो चुका है, and I can see myself even इस अंधेरे में. What's the reason why your lights are off?
व्हाट्स हैपनिंग भाई, दो एट दिन योर से बैक? चल रहा है पंजाब में, उतनी लाइट ऑन ही नहीं आ रही, दो दिन से चल रहा है, बिल नहीं बढ़ा कभी। तुमने बिल नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत अच्छी वीडियो, नाइस मीम्स।